हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11.3 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, और हमको बनाने हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे, यानी कि हम लोग स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, बट हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है। ये बात याद रखना। तो सबसे पहले आपको दिया है C5H12O। आप ये देखिए कि ये है क्या, एल्केन एल्कीन एल्काइन में से सबसे पहले कॉमन। वैसे तो एक टॉपिक है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है तो ये सिंपल होगा। तो C5H12O आप पहले बना के देख लेना, ठीक है। मैंने पांच कार्बन लिए और हाइड्रोजन मैंने लगाया H2 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 H2, और इस तरीके से आपको दिख जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दिख गया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मेरे कितने हैं। यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन एग्जैक्टली 12 हैं, कार्बन 5 हैं, एक OH है। इसका मतलब ये एल्केन है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है दोस्तों। अब मैं बढ़ूंगा आगे। देखिए, ये है एक 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे आपको सेकेंड क्वेश्चन में करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों बनाने। आइसोमर्स बनाते टाइम ध्यान ये रखना कि सबसे पहले जैसे प्राइमरी बनाया तो सारे पहले प्राइमरी वाले बना लो। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसको कितने कार्बन सराउंड करते हैं उतनी उसकी डिग्री हो जाती है। तो जैसे ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं। तो ये प्राइमरी बनाया, इसके बाद अगर प्राइमरी और बनाना है तो CH3 की पोजीशन किसका लो। ये मैंने 4 पोजीशन बनाई। अब इस चौथी पोजीशन पे OH लगा के यहाँ पे कार्बन लगा लेना, ठीक है। ये इसका एक आइसोमर है। इसके बाद अगर मैं और बात करूं, मेरे को प्राइमरी ही बनाना है तो C को पीछे किसका लेना। जैसे इसी में ही आप लोग देख लीजिए, मैंने C को एक पीछे किसका लिया, तो ये इसका एक और आइसोमर बन गया। ये भी प्राइमरी है, राइट। स्टार लगाते जाओ और देखते जाओ कितने कार्बन सराउंड कर रहे हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री। तो मैंने ये 3 आप लोगों के लिए प्राइमरी बनाया। और देखिए प्राइमरी बनता है क्या, प्राइमरी सर बन जाएगा, एक और भी बन जाएगा प्राइमरी, कि आप जब इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये अगेन अभी भी प्राइमरी है, बिकॉज जिस कार्बन पे OH है उसको कितने कार्बन सराउंड कर रहे हैं उतनी उसकी डिग्री होती है, ये अभी भी प्राइमरी है। तो 4 बना दिए मैंने 1 डिग्री के। क्या और 1 डिग्री का बनता नजर आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा और 1 डिग्री का बनता नजर। आएगा तो देख लेंगे, फिलहाल नहीं आ रहा है। अब बनाते हैं 2 डिग्री के। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन बनाए। सबसे पहले आप ये बीच में लगा दीजिए और आप कहिए कि ये 2 डिग्री का है। अगर 2 डिग्री का लगाने के बाद एक और 2 डिग्री का पॉसिबिलिटी नजर आती है तो पहले आप वो बनाएंगे। मेरे को आ रही है क्या, और 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है मुझे। सर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन की पोजीशन चेंज कर दूंगा। मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है ऐसा ही, अब एक स्ट्रक्चर लेते हैं, एक पे कार्बन लगा देते हैं और एक पे OH लगा देते हैं। तो मैंने कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बना लिए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बन चुके हैं मेरे अब तक। तो इसको देखिए, 2 कार्बन सराउंड करते हैं 2 डिग्री है, इसको देखिए 2 कार्बन सराउंड करते हैं 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, ये भी अभी 2 डिग्री है। टर्शरी बनाना हो तो टर्शरी बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, कार्बन पे OH लगाइए, उसको चारों तरफ से कार्बन कार्बन से आप क्या कर दीजिए, सराउंड कर दीजिए, तो वो आपका बन जाएगा 3 डिग्री। तो ये बना दी मैंने 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी। क्या कोई और पॉसिबिलिटी बनती है 3 डिग्री की? नहीं बनती। अगर मैं बनाऊंगा तो उसका IUPAC नेम सेम हो जाएगा। तो ये थे मेरे 8 आइसोमर्स। आप बना के देखिए, सोच के देखिए क्या कोई और बनता है। अगर बनता है तो टेक्स्ट कर देना, वरना मेरे हिसाब से ये 8 बनते मुझे नजर आ रहे हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये स्ट्रक्चर अगर नहीं दिखा है मेरे पीछे से तो मैं ये हट जाता हूं, आपको ये दिख जाएगा, आपको ये दिख जाएगा, राइट। ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है, आपको दिख गया होगा किस तरीके से 1 डिग्री बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो चाहिए तो एटॉमिक स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक